जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रार्थना सभा का किया आयोजन। बेगूसराय में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा मुख्यालय स्थित स्वर्ण जयंती पुस्तकालय प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने किया। प्रार्थना सभा के उपरांत अपने संबोधन में बेगूसराय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और नेता राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की यह जो यात्रा का आयोजन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य देश को जोड़ना है, एकजुट करना है। वहीं अपने संबोधन में कांग्रेस के जिला युवा नेता कुमार रत्नेश टुल्लू ने कहा कि यह बीते 8 वर्षों में हमारे देश को सत्ताधारियों के द्वारा क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, राजनीति के नाम पर हर हिस्सों में बांटा गया है। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी देश को एकजुट करने के लिए यह यात्रा भारत भर में निकाला जाएगी। उन्होंने बताया कि हम भारत के लोग में विश्वास रखते हैं। आपको बताते चले कि भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3,570 किलोमीटर यात्रा का आह्वान किया गया, जो कि लगभग 6 महीनों तक चलेगी। इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं आधिकारिक संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। यह यात्रा महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण करते हुए प्रार्थना सभा के साथ किया जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर आज महात्मा गांधी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा में मौके पर जिला उपाध्यक्ष राम स्वरूप पासवान, बिहार प्रदेश कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अभिषेक सिंह, विचार विभाग के जिला अध्यक्ष राम पदारथ यादव, महासचिव साबर कुमार, छात्र नेता रवि कुमार, विवेक कुमार, मनीष कुमार, कुमार रत्नेश टुल्लू, मीडिया विभाग के लोकसभा अध्यक्ष राघव कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। BNB न्यूज़ के लिए संवाददाता दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। आज से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो अभियान चलाया गया है, जिसमें कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक का ये आयोजन है और प्रत्येक दिन 25 किलोमीटर प्रत्येक दिन कार्यकर्ता के साथ राहुल जी का पदयात्रा होगा। उसका उद्देश्य एक ही है कि भारत जोड़ो। हम लोग बेगूसराय के तमाम साथी आज स्वर्णिम पुस्तकालय बेगूसराय में गांधी जी के मूर्ति के सामने हम लोग प्रार्थना सभा का आयोजन किया। जय हिंद।